हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्या सर्कल सर्कल में। कल हम लोग पिछले वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम लोग बेसिक चीज पढ़े थे। बेसिक चीज पढ़े, एक सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए सीखे हैं, फिर उससे एक क्वेश्चन किए थे। और इसके पीछे हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका भी वीडियो है। उसके पीछे हम लोग पढ़े थे वेक्टर, वेक्टर भी पढ़ लिखे। उसके पीछे हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री। और टोटल वीडियो अपलोड किया हुआ है, और टोटल वीडियो एक जगह किया हुआ है प्ले लिस्ट में, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। चैनल खोलिएगा, चैनल में चैनल के अंदर जाइएगा, वहां आप लोगों को सब मिल जाएगा। आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल में जो पीछे पढ़े थे कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ऑफ रेडियस कितना है, 5 है, 5 यूनिट्स। हुज सेंटर इज लाई ऑन अर्थ, हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 और 3, 2 और 3 से पास कर रहा है। ऐसे देखिए, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्वाड्रेंट है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, और ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। बोल रहा है कि जो सर्कल, उस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। मतलब सेंटर मान लेते, सर्कल का सेंटर यहाँ है, और एक रेडियस ऐसे बनेगा सर्कल, सॉरी सर्कल ऐसे बनेगा। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, और इसका रेडियस कितना है, 5। मान लेते हैं कि ये रेडियस था, ये भी रेडियस ही है, यहां से यहां तक ये हम मानते हैं, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये कितना है, 5 यूनिट है। एक और कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, 2 और 3 पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब इससे नहीं, ये तो सेंटर है, लेकिन कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 3 कोऑर्डिनेट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का, देखिए एक्स एक्सिस का, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का तो कुछ अपना क्वाड्रेंट होगा। एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट मान लेते हैं के, लेकिन वाई एक्सिस का क्वाड्रेंट क्या होगा, वाई एक्सिस तो 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि जब ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे ही जा रहे, थोड़े ना ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तब ना वाई एक्सिस का कुछ मिलेगा, ऊपर गए ही नहीं तो क्या हो जाएगा, के और 0। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ के का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। जब के का वैल्यू फाइंड आउट होगा तभी तो सर्कल का इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले के का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसका फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो लिख दिए, अब देखिए क्या करना है, बस केवल डिस्टेंस फार्मूला लगा के और यहां से के निकाल दीजिए। के क्यों, क्योंकि के ही एक अननोन है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, के माइनस 2 डायरेक्ट लिखते हैं, के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस यानी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 जा 4k प्लस 4 प्लस यहाँ क्या होगा, 3 जा 9 बराबर यहाँ हो जाएगा 25। इस 25 को इधर ले आते तो हम लोग क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस 4k, और यहाँ देखिए 9 4 13 प्लस 13, और जब इसको 25 को इधर ले आएंगे, 25 को इधर ले आएंगे इक्वल टू के इधर, मतलब लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 12 9 4 13 9 4 13, मतलब 13 में से 25 घटाएंगे, तो या इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहां हम लोगों को क्या बचेगा, -12, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, यहाँ -25 प्लस 13 बराबर -12 बराबर क्या हम लोग को मिला, 0 मिला। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिएगा इसको हम लोग को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा के स्क्वायर माइनस 12 को तोड़ते हैं, 6 दुनी 12, मतलब -6k + 2k -12 बराबर 0। यहां से के लेते हैं एलसीएम, के माइनस 6 मिलेगा प्लस 2, यहां मिलेगा के माइनस 6 बराबर 0, यहां से मिला हम लोग को के प्लस 2 इंटू क्या मिला, के माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं, तो के प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से के का वैल्यू एक आ जाएगा -2, और एक है के माइनस 6 बराबर 0, तो के का वैल्यू क्या हम लोग को मिल जाएगा, 6। मतलब के का 2 वैल्यू आया, -2 और 6, मतलब कि यहाँ सेंटर का 2 वैल्यू आया। सेंटर का वैल्यू अगर के का वैल्यू -2 रखेंगे तो वाई कितना होगा, 0, और अगर के का वैल्यू 6 रखेंगे तो y कितना होगा, 0, मतलब 2 वैल्यू आया। अब इसी दोनों वैल्यू को यूज करके हम लोग सर्कल का इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए जब हम लोग को वैल्यू मिल गया, ये और ये दोनों वैल्यू मिल गया, मतलब सेंटर का है, ये सेंटर का वैल्यू मिला, जब सेंटर का वैल्यू मिल गया तो सेंटर को यूज करके फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के वहां से इक्वेशन निकाल देंगे। और हम लोग अब देखिए फिर से इसको एक फिगर और बना देते हैं, यहाँ नया फिगर बनाते हैं।
नया फिगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, यहाँ सेंटर है तो सेंटर शुरू लेते हैं कितना, माइनस दो और जीरो, और इस पॉइंट को पी मानते हैं, और पी अभी कितना हो जाएगा एक्स वाई, और ये दो और तीन किस लिए दिया था, क्यों, क्योंकि के का वैल्यू निकाल ले, अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्यों, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन बनाना है, और ये हम लोग का क्या है फाइव का फाइव ही है। तो यहां से लिखते हैं, यहां से क्या लिखे, यहां से ऐसे करते हैं एक्स माइनस दो वाई में से जीरो, वाई माइनस टू, तो एक्स माइनस दो माइनस टू मतलब एक्स माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस दो हो जाएगा, एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव, डायरेक्ट लिखते हैं यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इधर माइनस ट्वेंटी फाइव बराबर जीरो। अब क्या हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस कितना मिलेगा हम लोग को यहां से ट्वेंटी वन बराबर जीरो। ये तो एक इक्वेशन बना, एक और इक्वेशन बनेगा क्या, अगर हम लोग छ और जीरो रखेंगे सेंटर का वैल्यू तब क्या बनेगा, तब हम लोग को क्या लिखेंगे एक्स माइनस छ के होल स्क्वायर प्लस, आई होप समझ में आ रहा होगा, जल्दबाजी में हम भी नहीं है, मेरे को लग रहा है कि जल्दबाजी जल्दी जल्दी हो जा रहा है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक्स माइनस छ फिर क्या मिलेगा हम लोग को वाई माइनस जीरो के होल स्क्वायर बराबर ट्वेंटी फाइव मिला हम लोग का, ठीक है। अब यहां से तोड़ते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस छ दूनी बारह एक्स प्लस छ छक छत्तीस प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव बराबर जीरो। अब यहां से मिलेगा हम लोग को क्या एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस छ व पांच यहाँ ग्यारह बराबर जीरो। देखिए दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये मिला सर्कल का इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या है सर्कल के लिए वैलिड है, क्यों, क्योंकि दो हम लोग का सेंटर मिला था। तो इसी तरह से हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकाला जाता है, आई होप यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, प्रॉब्लम अगर हुआ होगा तो थोड़ा सा बैक करके देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा हमको जहां तक लगता है, क्योंकि इतना हम बेसिक आप लोग को बता चुके हैं, अगर इसी चैनल से पढ़ रहे हैं तो इतना बेसिक आप लोग को बता चुके हैं कि आप लोग समझ जाइएगा, मेरे को विश्वास है आप लोग पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस इक्कीस बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस ग्यारह बराबर जीरो, एक ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और देखिए और किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो देखिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सर्कल विथ सेंटर, सेंटर कितना है एच और के है सॉरी सेंटर कितना है एच और के है एंड टचेज एक्स एक्सिस, और जो सर्कल है ना उस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। देखिए हम फिगर बनाते हैं ऐसे है ऐसे है। तो यहाँ क्या बोल रहा है इसका सेंटर एच और के है, एच के मतलब कि सेंटर एच है और के है, और लेकिन वो जो सर्कल है ना वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, प्लस है मतलब इसी में होगा, और एच के है मतलब दोनों पॉजिटिव है मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इसको बनाते सर्कल ऐसे, सर्कल यहाँ देखिए नीचे टच कर रहा है, सॉरी यहाँ टच नहीं करवा पाए, ये नहीं मतलब यहाँ इसे टच कर रहा है, और सेंटर एच के मतलब क्या कि एच ई एक्स है और के वाई, मतलब यहां से यहां तक अगर हम लोग एक्स जाएंगे एच जाएंगे तो यहां से यहां तक हम लोग को के जाना होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर यहां है, सेंटर यहां, तो सेंटर यहां कैसे होगा जब एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग एच डिस्टेंस गए तो y डायरेक्शन में हम लोग को क्या जाना होगा k डिस्टेंस जाना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे यहां से हम लोग यहाँ h गए और यहां से यहां तक हम लोग k गए, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इधर x जाते थे तो इधर तो y जाते थे, और ये दोनों आकर कहां मिलेगा इस पॉइंट पे, आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ h और k, h और k ये है सेंटर, और जब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, क्योंकि ये बराबर ये होगा, ये डिस्टेंस है के, मतलब कि के क्या हो जाएगा हम लोग का रेडियस हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा एच और के हो जाएगा, और इस पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग नाम दे देते हैं एक्स वाई, और ये हम लोग का आर्बिट्ररी जो पॉइंट होता है सॉरी क्योंकि हम लोग को इक्वेशन निकालना है, ठीक। आई होप यहां समझ में आ गया, देखिए ना हम लोग पढ़ते थे ना ऐसे क्वाड्रेंट रहता था, यहां से एक दो तीन ऊपर लिखते थे, एक दो तीन ऐसे लिखते थे, और मान लेते इस पॉइंट को डिनोट करते, तो यहाँ क्या दो और तीन लिए, तो मतलब एक्स एक्सिस पे टू और वाई एक्सिस पे तीन, ऐसे ही तो था यहाँ पे। अब बस इक्वेशन लिख देना है, इक्वेशन क्या लिखें, एक्स माइनस एच लिखते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को के का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कभी बोल देगा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कभी बोल देगा दोनों को टच कर रहा है,
लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो के डिस्टेंस क्या होगा, एच डिस्टेंस क्या होगा, अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस, वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। दोनों टच करेगा तो रेडियस दोनों के बराबर हो जाएगा, एच और के दोनों बराबर हो, ये इसमें ध्यान रखना। इसको देखिए क्या लिखते हैं यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई के प्लस के स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आते हैं माइनस का आ जाएगा के स्क्वायर बराबर जीरो, ये के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसल आउट होगा, तो क्या हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स, एच एक्स सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर माइनस यहाँ होगा ना, माइनस होगा क्योंकि ये माइनस भी है, माइनस टू सॉरी माइनस टू के वाई, माइनस टू के वाई लिखते हैं के वाई, इसके बाद और क्या बचा प्लस एच स्क्वायर बराबर जीरो, ये हम लोग को क्या बना सर्कल का इक्वेशन। इसी टाइप से आप लोग को पूछ सकता है और आगे, बस आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा और इसका एक और वीडियो बताएंगे, सर्कल का एक और वीडियो जो सर्कल का थोड़ा जनरल इक्वेशन होता है ना, जो सभी के लिए कोई भी सर्कल हो, किसी भी टाइप का सर्कल हो, चाहे वो डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया हो, चाहे रेडियस दिया हो या रेडियस का कोऑर्डिनेट दिया हो या सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हो, किसी भी टाइप का हो, वो जनरल इक्वेशन होता है। जनरल मतलब क्या कि सभी जगह जनरल, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।